आज का टॉपिक है गायन समय। भारतीय संगीत में प्रत्येक राग को गाने के लिए निश्चित समय माना गया है। रागों के लिए निश्चित समय ही गायन समय कहलाता है। गायन समय राग के आधुनिक 10 लक्षणों में से एक लक्षण है। राग के गायन समय को दिन का प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर, दिन का अंतिम प्रहर आदि नामों से जाना जाता है। एक दिन के 24 घंटे को 8 भागों में बांट दिया गया है। प्रत्येक भाग 3-3 घंटे का होता है। इन्हीं 3-3 घंटे के समय को प्रहर कहा जाता है। इस प्रकार दिन के 4 प्रहर तथा रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। किसी भी दिन या रात्रि का प्रथम प्रहर 7 बजे से शुरू होता है। इसके 3 घंटे के बाद दूसरा प्रहर शुरू हो जाता है। ये प्रहर और इनका समय इस प्रकार से है। पहला, दिन का प्रथम प्रहर 7 बजे सुबह से 10 बजे सुबह तक। दूसरा, दिन का द्वितीय प्रहर दिन के 10 बजे से दिन के 1 बजे तक। तीसरा, दिन का तृतीय प्रहर दिन के 1 बजे से शाम के 4 बजे तक। चौथा, दिन का चतुर्थ प्रहर शाम के 4 बजे से शाम के 7 बजे तक। पांचवा, रात्रि का प्रथम प्रहर शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक। छठवा, रात्रि का द्वितीय प्रहर रात्रि के 10 बजे से रात्रि के 1 बजे तक। सातवां, रात्रि का तृतीय प्रहर रात के 1 बजे से 4 बजे तक। आठवां, रात्रि का चतुर्थ प्रहर भोर के 4 बजे से सुबह के 7 बजे तक। दिन और रात्रि के चतुर्थ प्रहर को संधि प्रकाश समय माना जाता है। संधि प्रकाश समय ऐसा समय होता है जब दिन और रात मिलने वाले होते हैं, यानी कि ऐसा समय जब ना तो ज्यादा उजाला हो और न ही ज्यादा अंधेरा हो। ऐसा समय 24 घंटे में 2 बार होता है, एक तो सुबह सूर्य उदय के वक्त और दूसरा सूर्यास्त के वक्त। चूंकि भारत में सूर्य उदय और सूर्यास्त का समय ऋतुओं के हिसाब से बदलता रहता है, जो पूरे वर्ष 4 बजे से 7 बजे के बीच में होता है, इसलिए सामान्यतः 4 बजे से 7 बजे के समय को संधि प्रकाश काल कहते हैं। किसी भी राग का गायन समय मुख्यतः 4 बिंदुओं के आधार पर जाना जा सकता है। पहला, अधोदर्शक स्वर। दूसरा, वादी समाधि स्वर। तीसरा, पूर्वांग उत्तरांग। चौथा, स्वर संयोग, यानी कि कोमल रेधा वाले राग, शुद्ध रेधा वाले राग, कोमल ग और कोमल नी वाले राग। अब बात करते हैं पहले के बारे में, अधोदर्शक स्वर। शुद्ध म तथा तीव्र म को अधोदर्शक स्वर कहा जाता है। इन स्वरों से ज्ञात होता है कि राग का गायन समय किस संधि प्रकाश काल में है, यानी कि संधि प्रकाश राग का गायन समय प्रातःकालीन है या सायंकालीन है। इसका ज्ञान अधोदर्शक स्वर से पता चलता है। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है तथा सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। जैसे राग भैरव, जोगिया, कालिंगड़ा आदि प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग हैं। इनमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। राग श्री, मारवा, पुरिया आदि सायंकालीन संधि प्रकाश राग हैं। इनमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। जिन संधि प्रकाश रागों में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, उसमें दोनों मध्यम में प्रमुखता के आधार पर समय निर्धारण होता है। जैसे राग पूर्वी में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, किंतु इसमें तीव्र मध्यम प्रमुख तथा शुद्ध मध्यम गौण रहता है। यह सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। इसी प्रकार से राग रामकली तथा राग ललित में शुद्ध मध्यम प्रमुख तथा तीव्र मध्यम गौण रहता है। यह दोनों राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग हैं। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु के बारे में, वादी समाधि स्वर। किसी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है तथा दूसरा महत्वपूर्ण स्वर समाधि कहलाता है। एक दिन के 24 घंटे को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। पूर्वार्ध, जिसका समय 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात्रि तक होता है। उत्तरार्ध, जिसका समय 12 बजे रात्रि से लेकर 12 बजे दिन तक होता है। इसी प्रकार से सप्तक को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, पूर्वांग और उत्तरांग। पूर्वांग में सा से लेकर प तक स्वर आते हैं तथा उत्तरांग में म से लेकर तार सा तक के स्वर आते हैं। म और प सप्तक के दोनों अंगों में रखे जाते हैं। जिन रागों का वादी स्वर पूर्वांग में से होता है, उनका गायन समय दिन के पूर्वार्ध में, यानी कि 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात्रि के बीच में होता है। जिन रागों का वादी स्वर उत्तरांग में से होता है, उनका गायन समय दिन के उत्तरार्ध
यानी कि 12 बजे रात्रि से लेकर 12 बजे दिन के बीच में होता है। रागों के वादी समाधि के विषय में एक नियम है कि वादी समाधि सप्तक के दोनों हिस्सों में से होने चाहिए, यानी कि अगर वादी पूर्वांग से है तो समाधि उत्तरांग से होना चाहिए, और अगर वादी उत्तरांग से है तो समाधि पूर्वांग से होना चाहिए। जैसे राग सोहनी का वादी समाधि ध और ग है, इसका वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग से आता है तथा इसका गायन समय दिन के उत्तरार्ध में यानी कि 12 बजे रात्रि से लेकर 12 बजे दिन के बीच में आता है। यदि किसी राग का वादी समाधि सा म, म सा, प सा या सा प है तो उनका एक स्वर पूर्वांग में माना जाएगा तथा दूसरा स्वर उत्तरांग में माना जाएगा। जैसे राग भैरवी का वादी समाधि स्वर म सा है तो इसका वादी उत्तरांग में माना जाता है और समाधि पूर्वांग में। इसका गायन समय दिन के उत्तरार्ध में आता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राग भीम पलासी, इसका वादी समाधि स्वर म सा है, इस हिसाब से इसका गायन समय दिन के उत्तरार्ध में होना चाहिए, लेकिन इसका गायन समय दिन के पूर्वार्ध में है। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु के बारे में, पूर्वांग उत्तरांग। राग के समय निर्धारण के लिए राग पूर्वांग प्रधान है या उत्तरांग प्रधान है यह जानना आवश्यक है, यानी कि राग का चलन सप्तक के किस हिस्से में अधिक है, यह समय निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार है। जिन रागों का चलन पूर्वांग में अधिक होता है उनका गायन समय दिन के पूर्वार्ध में होता है, और जिन रागों का चलन उत्तरांग में अधिक होता है उनका गायन समय दिन के उत्तरार्ध में होता है। ऐसे रागों को क्रमशः पूर्व राग और उत्तर राग भी कहते हैं। कुछ रागों का उदाहरण देखते हैं, राग केदार, भूपाली, दरबारी कान्हा, भीम पलासी आदि पूर्वांग प्रधान राग हैं और इनका गायन समय दिन के पूर्वार्ध में होता है। राग सोहनी, बसंत, हिंडोल, बहार, जौनपुरी आदि उत्तरांग प्रधान राग हैं, इनका गायन समय दिन के उत्तरार्ध में होता है। इस सिद्धांत के भी कुछ अपवाद हैं, जैसे राग हमीर, इसका वादी स्वर उत्तरांग से है तथा इसका स्वरूप भी उत्तरांग प्रधान है, किंतु इसका गायन समय दिन के पूर्वार्ध में है। शेष भाग अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।